आज मैं आपको आटे बैग का यूज करके पाजेब और बाजूबंद बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें 2.5 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी एक स्ट्रिप लेनी है। ये कैसे लेनी है, इसका नाप कैसे लिया है मैंने अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में इसे हमें ब्लैक कपड़े से पूरा कवर कर लेना है। कपड़े का कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसे चारों तरफ से 1-1 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है। ग्लू लगा के कपड़े को अच्छे से स्टिक कर देना है। मैं अभी 2 वीडियो में आपको बता चुकी हूँ इसे किस तरीके से कवर करना है। अब हमें इतना रखने के बाद में 4-4 इंच लंबे मैंने ऊन के पीस कट किए हैं और सेंटर में इस तरीके से ग्लू लगा के इस पे डबल फोल्ड करके इस तरीके से सारे ऊन इस पे स्टिक कर दूंगी। तो अभी हमें इसे सारे स्टिक करने के बाद में ही इसके ऊपर हम बैक साइड में कवर करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, अब मैंने जब ऊन लगा लिया है तो इस पे पूरे पे ग्लू लगाऊंगी। पहले ऊन के ऊपर 1 स्ट्रिप लगाऊंगी और फिर पूरी पॉलीथिन को हम छुपा देंगे और अनइवन ऊन को एक बराबर करते हुए इसे कट कर लेंगे। अब सेंटर में ग्लू लगा के बाद एक 3 बॉल इस पे स्टिक करूंगी। ये बॉल किस तरीके से बनाते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसके बॉटम पार्ट में मैं इस तरीके से ग्लू लगा के और बहुत पास पास में मिरर की एक लाइन बना लूंगी और सेम इसी तरीके से मैं ऊपर की साइड भी लगा लूंगी। आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो मैंने 3 बॉल लगाई है तो 2-2 बॉल के सेंटर में इस तरीके से ग्लू लगाना है और 2-2 कौड़ी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे ना है। अपोजिट यानी वो दोनों कौड़ी एक दूसरे के अपोजिट हो। तो देखिए, मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हमें इसे लगा लेना है। अब इसके साइड में भी मैं थोड़े से मिरर लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बीच वाली बॉल के आजू बाजू भी मैंने 2 कौड़ियां लगा दी हैं। डोरी लगानी है इसमें वैसे ही जैसे मैंने आपको करधन में बताई है। अब नंबर आता है पाजेब का, तो सेम बेस हमें वैसे ही रेडी करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया है। आटे बैग में से हमें 2.5 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी एक स्ट्रिप कट करना है कपड़े से कवर करके और इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकालते हुए चौक से निशान लगा लेना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। सेंटर में एक बॉल रख के उसके चारों तरफ कौड़ियां लगाते हुए एक सुंदर से फ्लावर का शेप दे दूंगी। आप देख रहे हैं, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूं। तो इस तरह की बॉल के पैकेट मार्केट में मिलते हैं, आप चाहें तो उसे वैसे भी परचेज कर सकते हैं। एक पैकेट में बहुत सारी बॉल्स निकलती हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये फ्लावर मेरा बन गया। इसे हाथ से प्रेशर देते हुए अच्छे से स्टिक कर दूंगी। अब इसके दोनों साइड में मैं लगा रही हूं 2-2 मिरर। अभी मैंने रिसेंटली 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं गरबा ज्वेलरी के, तो ये पूरा सेट मैं आपको एक ही बता रही हूँ जिसमें गले के, कान के, करधन, मांग टीका और कड़े बनाना सिखाया है। बहुत से लोगों के कमेंट आए कि उन्हें पाजेब और बाजूबंद भी चाहिए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखिए, मैंने जो दोनों मिरर लगाए थे दोनों साइड, उसके बीच में 1-1 बॉल लगा दूंगी। अब बॉल के दोनों साइड में 1-1 कौड़ी इस तरीके से लगा रही हूँ। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। किसी भी वेस्ट चीज को डिस्ट्रॉय करने से पहले स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि प्रोफेसर किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देती हैं। अब आप चाहें तो इतना भी रख सकती हैं, लेकिन मैं इसमें अब लगाऊंगी नीचे की साइड में ऊन की बॉल और व्हाइट मोतियां, क्योंकि मैं बना रही हूं अपना पूरा सेट जैसा कि आपने मेरे करधन और हार में देखा है। तो देखिए, इस तरीके से हमें 4 फोल्ड में निडल में थ्रेड लेना है, एक ऊन की बॉल और फिर एक पर्ल उसमें व्हाइट कलर का इंसर्ट करना है। अब ये जो हमने कौड़ियां लगाई हैं इससे मैच करते हुए हमें सारी बॉल्स इसमें अच्छे से स्टिच कर लेना है जैसा मैंने आपको बताया है और भी वीडियो में। यदि आप भी देना चाहती हैं अपनी पुरानी साड़ियों को नया लुक, तो उसके लिए आपको देखना होगा स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट। जी हाँ, प्रोफेसर ने आप सभी के साथ बहुत सरल और बहुत कम बजट में बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियों के रीयूज के वीडियो शेयर किए हैं। अब आप ये जो गैप देख रहे हैं इसे और हैवी लुक देने के लिए चाहें तो वहाँ पर कॉरी शेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रख रही हूँ। अब एक ऊन में मैं बॉल इंसर्ट करूंगी और ऊन के दोनों साइड मिलाते हुए बॉल को सेंटर में करके एक नॉट लगा दूंगी। ये मैं बना रही हूँ हमारी पाजेब की डोरी। आप चाहें तो इस जगह पर वेलक्रॉल का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें ये डोरी बना लेनी है। एक मैंने आपके सामने बनाई पाजेब, एक पहले से बना के रखी थी। तो देखिए, साइड में हमें ग्लू लगाना है, उसके ऊपर डोरी रखना है और डोरी के ऊपर छोटी सी कपड़े की कतरन रख के उसे अच्छे से प्रेस करते हुए स्टिक कर देना है। मेरे किसी भी वीडियो को देखते समय उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोफेसर देती है वहाँ पे बहुत से काम के लिंक। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो अब देखते हैं कि इस पाजेब और बाजूबंद को पहनना